हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। क्लास फोर साइंस में हम लोग साइंस के पूरे लेसन को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग जो हैं इसको रिवीजन करेंगे। तो लेसन नंबर वन साइंस फोर क्लास का लेसन नंबर वन में आज हम लोग रिवीजन करेंगे फूड वी ईट। फूड वी ईट लेसन नंबर वन को रिवीजन हम लोग ये करेंगे। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे फूड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। भोजन जो है एक प्रमुख इम्पोर्टेंट ज़रूरत है सभी जीवों से। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क प्ले एंड लिव। यह हमें खेलने का, जीने का, काम करने के लिए हमें ताकत देता है। इट कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग टू। यह हमें स्वस्थ रखता है और मजबूत भी बनाता है। तो हाउ एवर इट इज नॉट एनफ टू जस्ट ईट फूड। यदि हम लोग कभी कभी भोजन नहीं कर पाते हैं, भोजन पर्याप्त नहीं हो पाता है, तो वी नीड टू ईट प्रॉपरली टू। तो हम लोगों को इससे भोजन की ज़रूरत पड़ती है रेगुलर, कि वी मस्ट कंज्यूम ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एन एडुक्वेट अमाउंट। तो कभी कभी हम लोगों को हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, जिसे हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमें तत्व मिले, विटामिन वगैरह हर चीज़, वो हमें भोजन करने की आवश्यकता पड़ जाती है। द न्यूट्रिएंट्स इन फूड, अब देखिए भोजन में द न्यूट्रिएंट्स इन फूड, भोजन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि आवर फूड कंटेंस वेरियस सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। हमारे भोजन में बहुत प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, उसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। विच आर नीडेड बाई आवर बॉडी फॉर वेरियस पर्पसेस, जो कि हमारे शरीर के अनेक अंगों के लिए वो काम करता है। न्यूट्रिएंट्स डिटरमाइन हाउ गो और बैड द फूड इज द मेन। न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाई आवर बॉडी आर एज अंडर। तो जैसा हम लोग भोजन करते हैं, हम लोग के शरीर के अंदर वैसा ही न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के अंदर होता है और उन्हें ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लोग देखेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये न्यूट्रिएंट जो है हमारे भोजन में प्राप्त होते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स हमें ताकत देता है। सो फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। इसलिए उस भोजन को जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, उसे हम लोग एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। दे कीप आवर बॉडी वार्म, वे हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। एंड गिव अस एनर्जी टू डू डिफरेंट एक्टिविटी, और भिन्न भिन्न काम करने में हमें वो ताकत देते हैं। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर, भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक पाया जाता है, जैसे ब्रेड, राइस, पोटैटो, हनी, शुगर, मैंगो, इटीसी, इन सबों में ये कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा हमें अधिक मिलता है। और दूसरा नंबर फैट्स, फैट जो है, वाई टू मच ऑफ फैट नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। हम लोग जानते हैं कि अधिक मोटापा जो है हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो फैट जो है, जैसे बटर, घी, ग्राम, क्रीम, कुकिंग ऑयल, इसमें फैट का मात्रा अधिक मिलता है। ये हमें अधिक कार्बोहाइड्रेट्स से ज़्यादा फैट मिलता है। दे कीप आवर बॉडी वार्म एंड स्किन स्मूथ, ये हमारे शरीर को गर्म रखते हैं और चिकने करते हैं स्किन को। और प्रोटीन, एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन के बारे में अब हम लोग देखेंगे। प्रोटीन
जो कि हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन आर आल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड बिकॉज दे हेल्प अस टू ग्रो बल्ड मसल एंड रिपेयर वॉर आउट टिश्यू। प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड होता है क्योंकि ये हमें बढ़ने में मदद करता है, मांसपेशियां बनने में मदद करता है और ये टिश्यू को रिपेयर करता है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड इसमें पाए जाते हैं पल्सेज, एग, फिश, चीज, नट्स, बीन्स इटीसी। विटामिन एंड मिनरल्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, दे आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। तो विटामिन एंड मिनरल जो होते हैं बहुत ही छोटे, बहुत कम क्वांटिटी की जरूरत होती है, दे आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड बिकॉज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। ये हमें रोगों से बचाता है हमारे शरीर को एंड कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। दे हेल्प अस टू हैव ग्लोइंग स्किन, गुड विजन एंड हेल्दी गम्स। इससे हमारी आँख की रोशनी, अच्छे स्किन और ये हमें मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। तो फ्रूट, वेजिटेबल, आयोडाइज साल्ट ये इसमें पाए जाते हैं। रफेज, एक रफेज फूड होता है। रफेज फूड इट इज द फाइबर्स मटेरियल प्रेजेंट इन सीरियल, सीरियल फ्रूट एंड वेजिटेबल इट हेल्प इन द इजी बाउल। ये फाइबरस फूड होता है प्रेजेंट, जो कि अनाजों में पाया जाता है, फलों में और सब्जियों में पाया जाता है। इट हेल्प इन इजी बाउल मूवमेंट एंड कीप डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। और हमारे ये जो भोजन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ रखते हैं। वाटर, वाटर है वाटर हुआ तो इट इज ऑल्सो ए वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट। पानी जो है हमारे भोजन का एक मुख्य अंग है। इट हेल्प इन द डाइजेशन एंड एक्सक्रेशन ऑफ वास्टेज फ्रॉम आवर बॉडी। ये हमारे शरीर को डाइजेशन में मदद करता है और जो बेकार की तत्व होते हैं बाहर निकलता है। वी मस्ट ड्रिंक 8 to 10 glasses ऑफ वाटर डेली। हम लोगों को 8 to 10 glass वाटर डेली पीना चाहिए। तो अब इसमें हम लोग आज इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।